वुमन रेसलर कविता देवी के बारे में। दोस्तों आपको एक जबरदस्त न्यूज देनी है। जैसे आपको पता है कि WWE चैंपियन द मॉडर्न डे महाराजा जिंदर महाल मुंबई और दिल्ली में अपने फैंस से मिलकर आए। बहुत बहुत सपोर्ट मिला उन्हें, और वो सचिन तेंदुलकर और उनके बेटे अर्जुन तेंदुलकर से भी मिले, और बहुत सारे यादगार पल स्पेंड करके वो फिर से US चले गए। पर एक बहुत बड़ी न्यूज मिली जब हमने ये फोटो देखी, कविता देवी और जिंदर महाल एक साथ। और जिंदर ने इस पिक का कैप्शन लिखा कि कविता देवी WWE की नई सुपरस्टार है जो हुई है साइन। WWE ने दो फीमेल एथलीट्स को साइन किया है डेवलपमेंटल कॉन्ट्रैक्ट के लिए। पहली है इंडिया की कविता देवी और दूसरी है शाडिया बसीसो जो है जॉर्डन से। शाडिया बनी पहली अरब वुमन रेसलर जो साइन हुई है WWE के साथ। कविता देवी ने ग्रेट खली की CWE एकेडमी में शुरुआत की थी, और फिर अपना जोश उन्होंने मे यंग्स क्लासिक में दिखाया, जहां उन्होंने डकोटा काई को जबरदस्त तरीके से पीटा। मैच तो कविता हार गई, पर लोगों का वो दिल जीत के गए। उस मैच के वीडियो को मिले 7.8 मिलियन व्यूज, इसलिए उनको साइन किया गया। ट्रिपल एच ने भी बहुत अच्छे कमेंट्स दिए कविता देवी पर, और हमारे WWE चैंपियन जिंदर महाल ने भी कहा कि वो बहुत प्राउडली वेलकम करते हैं कविता का WWE में, जहां उन्हें बेहतरीन चांस है पहली फीमेल इंडियन WWE सुपरस्टार बनने का, और वो उन्हें बहुत सारा सक्सेस विश करते हैं। हम कविता देवी को बहुत जल्द NXT में देखेंगे, और वहां बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करने के बाद वो रॉ या स्मैकडाउन में जाएंगी। बहुत ज्यादा गर्व की बात है कि हमारे एशिया की इंडिया की रेसलर WWE गई। वो सिर्फ इंडिया का ही नहीं, पूरे एशिया का नाम रोशन करेंगी। हम भी उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस और गुड लक विश करते हैं। होप शी रॉक्स। तो दोस्तों आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि क्या लगता है आपको कविता देवी के बारे में, कैसा परफॉर्मेंस करेंगी वो WWE में, और उनकी मैच आप कौन से WWE वुमेन रेसलर से देखना चाहते हो।